केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार में जातीय सर्वे को लेकर लगातार विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे करवाया और उसके अगले दिन ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें दो दलों को छोड़कर सभी इसमें शामिल हुए थे। ये दल RLJD और RLJP है। इसके बाद से ही दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण का डेटा फेक है। वहीं RLJP प्रेसिडेंट पशुपति पारस ने कहा कि बिहार सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए जातीय सर्वेक्षण कराया है। जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, हम इस फर्जी डेटा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमने फैसला किया है कि हम 11 अक्टूबर को राज्य के हर जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। कुशवाहा ने आगे कहा कि 14 अक्टूबर को हम पटना में राजभवन मार्च का आयोजन करेंगे। हमें लगता है कि सरकार ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में डेटा जारी किया है। इनका ध्यान केवल चुनाव और राजनीतिक लाभ पर था, न कि लोगों के लाभ पर। ये डेटा पूरी तरह से गलत और फर्जी है। जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री और RLJP प्रेसिडेंट पशुपति पारस ने कहा, बिहार सरकार ने ये जाति सर्वेक्षण राजनीतिक द्वेष से किया। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि नीतीश कुमार अपना राजनीतिक प्रभुत्व बना सके। मेरे गाँव में कोई सर्वेक्षण करने नहीं आया। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अगर आंकड़ों में कोई फेरबदल करना होता तो सीएम नीतीश कुमार अपनी जाति के आंकड़ों को बढ़ा लेते। विपक्ष के नेता सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि स्वाभाविक तौर पर बिहार के हिस्से में यादवों की आबादी ज्यादा है, तो वो परसेंटेज में भी ज्यादा दिख रहे हैं। राजद नेता ने NDA के घटक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें जातिगत गणना के आंकड़ों में कुछ कमी दिख रही है तो वो केंद्र सरकार से बोलकर फिर से गणना करवा लें, या जो करना हो करा लीजिए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।